हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री के चैनल केमिस्ट्री ट्विटर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सोल्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑरिजी लेक्चर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्विटर। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन का बहुत ही खूबसूरत लेक्चर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका डिफिनेशन होता है द पार्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन व्हिच डिसोसिएट इन आयंस। देखिए यहाँ लिख दिए हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम लोग अल्फा से इंडिकेट करते हैं। इसका हिंदी होता है वियोजन की मात्रा। इसका डिफिनेशन होता है द पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन व्हिच डिसोसिएट इन आयंस। इसको हिंदी में भी लिख दिए हैं कि बिलियन में कुल मोलों की संख्या का भाग जो आयन में वियोजित हो जाते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि जो आई होता है वांट ऑफ फैक्टर होता है, और वांट ऑफ फैक्टर जो है रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? तो नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो अगर हमारा डिसोसिएशन होगा तो यहाँ डिसोसिएशन यूज करेंगे, अगर सोल्यूट आफ्टर डिजॉल्विंग एसोसिएट होता है तो फिर यहाँ हम लोग एसोसिएशन वर्ड का यूज करेंगे। तो आई का फॉर्मूला हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन कि नंबर ऑफ टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ टोटल मोल बिफोर डिसोसिएशन। ऐसा हम मान लेते हैं कि हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट ए है जो आफ्टर डिसोसिएशन एन मोल देता है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है बिफोर डिसोसिएशन वन मोल है, अगर हमारा टाइम जीरो है तो इसका कोई भी मोल डिसोसिएट नहीं हुआ रहेगा, मतलब कि यहां पर कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ रहेगा इनिशियली। जब टाइम हमारा जीरो होगा बिफोर डिसोसिएशन सिर्फ वन मोले रहेगा, इसका कोई भी मोल डिसोसिएट नहीं हुआ रहेगा। आफ्टर सम टाइम्स इसका सम मोल्स क्या होगा? डिसोसिएट हो जाएगा। तो फिर ये तो जो है वन मोल नहीं रहेगा, इससे कम हो जाएगा क्योंकि इसका सम मोल डिसोसिएट हो गया रहेगा। तो ऐसा मान लेते हैं कि इसका अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया है। तो आफ्टर डिसोसिएशन अब ये हो जाएगा वन माइनस अल्फा मोल, और यह अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ है तो अकॉर्डिंग टू दिस यहां हो जाएगा एन अल्फा। अब जो है हम आई का फॉर्मूला यहां जानते हैं कि नंबर ऑफ टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन तो टोटल मोल ही पूरा है, क्योंकि ये जो है आफ्टर डिसोसिएशन का जो मोल है ये पूरा हुआ, क्योंकि आपको ये तो डिसोसिएट हो गया ओ है, और जो ये शेष बचा वो है। तो आफ्टर डिसोसिएशन तो ये भी है, ये भी है सोल्यूशन के अंदर। तो आफ्टर डिसोसिएशन जो है टोटल मोल हो जाएगा ये दोनों का एडिशन। तो यहाँ पर हम आई का जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसको, तो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन इसको लिखेंगे कि वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन, यहाँ क्या देना है तो नंबर ऑफ टोटल मोल बिफोर डिसोसिएशन। तो बिफोर डिसोसिएशन क्या है? ये वन मोल है, यहां तो कोई डिसोसिएट हुआ नहीं है तो क्या है? वन मोल है। तो आफ्टर डिसोसिएशन ये पूरा मोल हमने एक साथ ऐड कर दिया, वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और बिफोर डिसोसिएशन हमारा जो है ये मोल हमारा हुआ टोटल मिलके ये वन मोल, यहां वन हो गया। यहां पर जो है जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यह वन जो है यहां मल्टीप्लाई में आई के साथ आएगा, और यहां आई इक्वल हो जाएगा वन माइनस, इसमें से अल्फा कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा वन माइनस अल्फा, जब अल्फा यहाँ कॉमन हो जाएगा तो यहाँ वन माइनस एन हो जाएगा, वन माइनस एन, ये आई का फॉर्मूला हो गया। अगर हम चाहें इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई इक्वल, अगर चाहे यहाँ प्लस करना हम तो प्लस भी कर सकते हैं, बट हमको इसको चेंज करना होगा, यहाँ एन माइनस वन हो जाएगा। तो ये हमारा आई का फॉर्मूला हुआ।
अगर हम यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना चाहें, अल्फा फाइंड करना चाहें तो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये वन जो है आई के साथ आएगा तो फिर माइनस में होना हो जाएगा यहाँ, ये बच जाएगा अल्फा इन माइनस वन, ये सिर्फ बच जाएगा और ये चला जाएगा आई के साथ माइनस में, तो हो जाएगा आई माइनस वन, यहाँ हमने लिख दिया आई माइनस वन। और फिर जब अल्फा फाइंड करेंगे तो यहाँ से हमारा ए मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, तो ये हमारा अल्फा का फार्मूला हो गया। बट हम एक चीज और जानते हैं, इस आई का फार्मूला क्या जानते हैं, देखिए यहां लिख रहे हैं हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि आई का एक फॉर्मूला होता है एम कैलकुलेटेड अपॉन एम ऑब्जर्व्ड, एम ऑब्जर्व्ड ये आई का फॉर्मूला है। तो यहां जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे एम कैलकुलेटेड एम ऑब्जर्व्ड, तो फिर हमारा यहां पर वन इसमें से जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा यहां पर अल्फा, यहां हो जाएगा एम कैलकुलेटेड एम ऑब्जर्व्ड, हमने इस आई का वैल्यू को पुट किया यहां से और माइनस वन है ये और अपॉन एन माइनस वन है, इसका कैलकुलेशन क्या होगा, इसका कैलकुलेशन होगा ये एम कैलकुलेट माइनस एम ऑब्जर्व्ड अपॉन एम ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, और ये हो जाएगा n माइनस वन। तो फिर जो है हमारा ये सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ये यहां जो है इसका सब्ट्रैक्शन है n माइनस वन हो गया, और फिर ये क्या होगा कि इसके नीचे वन है तो फिर पलट जाएगा, तो यहां पर जो है क्या होगा इसको हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, इसको ये यहां चलाएगा चाहे यहां चलाएगा, तो यहां हम यहीं पर लिख दे रहे हैं कि अल्फा इज इक्वल टू सीधे हो जाएगा ये n माइनस वन यहां पर, तो यहां हो जाएगा n माइनस वन, ये हमारा अल्फा का फॉर्मूला हो गया, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला हो गया। ये बिल्कुल सिंपल है, हमने सिर्फ क्या किया है कि इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा और एन माइनस वन जो है ये रह जाएगा। तो इसमें सब अब आप सिर्फ लिखेंगे कि इसमें जो है अल्फा क्या है आई क्या है, तो यहां हम इसको लिख देते हैं साइड में, हियर हियर में जो n है ये डिसोसिएटेड मोल है, डिसोसिएटेड मोल मतलब कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट है आफ्टर डिसोसिएशन जो उसका मोल डिसोसिएटेड मोल है, तो ये डिसोसिएटेड मोल हो गया। और जो है अल्फा तो आपको पता है यहां से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आई जो है ये तो वन का फैक्टर होता है, और एम जो कैलकुलेटेड है
ये हमारा देख रहे हैं यहाँ पर m कैलकुलेटेड m ऑब्जेक्ट। तो हम जो भी सोल्यूट आफ्टर डिजॉल्विंग डिसोसिएट या एसोसिएट होते हैं उसके टू टाइप से मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। एक जो m कैलकुलेटेड होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला से इसको हम लोग फाइंड करते हैं, और ये जो होता है यह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, एक्सपेरिमेंट से फाइंड करते हैं। तो इसमें जो है m कैलकुलेटेड हो गया कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास, मोलर मास भी लिख सकते हैं ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और जो m ऑब्जर्व्ड है ये ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास है। मोलर मास है मोलिकुलर मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें, हम लोग अब अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ, यहां पर डिसोसिएशन के जगह पर एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन यानी कि वियोजन के जगह पर संयोजन। तो हम लोग जो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी अल्फा से इंडिकेट करते हैं, बट इसका हिंदी होता है संयोजन की मात्रा। इसका जो डिफिनेशन होता है द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स व्हिच कंटिन्यू टू फॉर्म बिगर मॉलिक्यूल से। इसका हिंदी में भी डिफिनेशन लिखते हैं कि कुल मोलों की संख्या का प्रभाव जो लगातार बड़े अणु बनाते हैं। तो बस वही जो है प्रीवियस वीडियो का जो ये आई है वन टॉप फैक्टर है जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टोटल मोल आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ टोटल मोल बिफोर एसोसिएशन। समझाए ही थे कि अगर डिसोसिएशन रहेगा तो यहाँ डिसोसिएशन यूज करेंगे, अगर हमारा सोल्यूशन में सोल्यूट अगर एसोसिएट हो रहा है तो फिर हम लोग यहाँ एसोसिएशन यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने मान लिया कि इनिशियली हमारा जो है एन मोल कोई ऑर्गेनिक एसिड है जिसका एसोसिएशन हो जा रहा है आफ्टर डिजॉल्विंग, और ये आफ्टर एसोसिएशन या वन मोल हो जा रहा है ऐसा हम मान लेते हैं, ये हो गया। अब जो है बिफोर एसोसिएशन ये एन मोल के जगह पर हमने मान लिया ऐसा कि ये वन मोल इसका हम लेते हैं बिफोर एसोसिएशन यानी कि इनिशियली, तो यह हमने वन मोल ऐसा मान लिया कि हमने लिया है इसका, तो हमने वन मोल ले लिया। बट इनिशियली जब टाइम जीरो हो तो कोई भी एसोसिएशन नहीं हुआ रहेगा, क्योंकि कोई भी डिसोसिएशन एसोसिएशन होने के लिए आफ्टर सम टाइम्स ही होता है। तो यहां पर जो है हमारा एकदम बिल्कुल इनिशियली यह वन मोल हम ले लिए हैं और टाइम जीरो है तो हमारा इसका अभी कोई भी एसोसिएशन नहीं हुआ है, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स जब इसका एसोसिएशन स्टार्ट होगा तो फिर ये वन मोल नहीं रह जाएगा, इसका कुछ मोल एसोसिएट हो जाएगा। सपोज हमने मान लिया कि इसका अल्फा मोल जो है एसोसिएट हो गया, ऐसा हमने मान लिया कि इसका जो है अल्फा मोल एसोसिएट हो गया, तो ये फिर तो वन मोल नहीं रहेगा, अल्फा इसमें से कम हो जाएगा, और यहाँ पर जो है हमारा वन माइनस अल्फा मोल हो गया है। और जो है यहाँ जो एसोसिएशन होगा ये अल्फा एसोसिएशन हो रहा है, और जो है हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है एन मोल वन मोल में एसोसिएट हो जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ होगा अल्फा अपॉन एन मोल, क्योंकि एसोसिएशन में हमारा जो मोल है ये डिक्रीज करता है क्योंकि वो एसोसिएट हो रहा है, तो इसलिए डिक्रीजिंग के लिए हमारा एन से डिवाइड हो जाएगा। अब जो है हमारा आई का फॉर्मूला है नंबर ऑफ टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, तो आफ्टर एसोसिएशन टोटल मोल कितना है, तो हमारा इतना है क्योंकि इतना तो हमारा ये एसोसिएट हो गया और इतना हमारा शेष रह गया, तो आफ्टर एसोसिएशन तो टोटल एसोसिएशन ये हमारा ये पूरा मोल हो जाएगा, इसको हम लोग ऐड करके ले लेंगे। तो यहाँ हो गया वन आई इक्वल टू वन माइनस अल्फा
प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन और अपॉन नंबर ऑफ टोटल मोल बिफोर एसोसिएशन। तो बिफोर एसोसिएशन हमारा वन मोल है क्योंकि यहां तो कोई एसोसिएशन हुआ नहीं है, यहां तो हमारा जीरो एसोसिएशन क्योंकि टाइम हमारा जीरो है यहां पर। अब जो है हमारा बिफोर एसोसिएशन ये वन मोल है, तो अब हम करेंगे क्या कि ये वन जो है आई में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा हमारा आई और हमारा ये जो होगा इसमें से अल्फा हमारा कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा वन माइनस अल्फा, जब अल्फा यहां कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा वन माइनस वन अपॉन एन, तो वन माइनस वन अपॉन ये एन हो गया यहां पर। ये हमारा आई का फॉर्मूला हुआ। अब जो है अगर हम इसको सबस्ट्रेट करें तो फिर क्या होगा, सबस्ट्रेट करने पर ये हो जाएगा वन माइनस अल्फा और यहां हो जाएगा हमारा एन माइनस वन अपॉन एन। ये जो है यहां पर वन में से हम वन माइनस एन को सबस्ट्रेक्ट कर दिए, तो ये हो गया एन माइनस वन अपॉन एन। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर जो है अगर प्लस साइन हम करें तो फिर ये चेंज हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा वन माइनस एन अपॉन एन। हम चाहें तो इसको यहां भी ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये जो है हमारा आई का फॉर्मूला हो गया, आई का फॉर्मूला हो गया है। अब जो है यहां से हम अल्फा फाइंड कर सकते हैं, तो अल्फा कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो पहले तो ये वन जो है इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा आई के साथ, तो ये इतना बचेगा हमारा। तो यहां पर जो है हमने क्या किया कि यहां कर दिया हमने अल्फा, ये बच गया पूरा हमारा, ये इधर भेजेंगे इसके साथ माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस एन अपॉन एन और ये हो गया इधर आया तो आई माइनस वन। जब हम यहां से अल्फा फाइंड करेंगे तो ये जो डिवाइड में है इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा और जो ये है टर्म ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां हो जाएगा एन आई माइनस वन, ये चला गया यहां और ये डिवाइड में वन माइनस एन, वन माइनस एन। अब जो है हम आई का एक फॉर्मूला जानते हैं, ये हमारा अल्फा का फॉर्मूला हो गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन का। अब आई का फॉर्मूला क्या है कि एम कैलकुलेटेड अपॉन एम ऑब्जेक्ट, एम ऑब्जेक्ट, तो जब यहां वैल्यू हम पुट करेंगे आई का तो ये हो जाएगा यहां पर एम कैलकुलेटेड अपॉन एम ऑब्जेक्ट माइनस वन और नीचे हो गया एन माइनस वन। अब इसको हम लोग सबस्ट्रेक्ट कर देंगे, जब सबस्ट्रेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहां देखिए अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन और एम कैलकुलेटेड माइनस एम ऑब्जर्व्ड अपॉन एम ऑब्जर्व्ड, हमने सिर्फ सबस्ट्रेक्ट कर दिया है। और ये तो एन माइनस वन जहां है वहीं रहेगा। अब हमारा क्या होगा कि ये इसके साथ चला आएगा क्योंकि इसके नीचे वन छुपा हुआ है, तो यहां हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू एन एम कैलकुलेटेड माइनस एम ऑब्जर्व्ड अपॉन क्या होगा, ये हो जाएगा एन माइनस वन एम ऑब्जेक्ट, एम ऑब्जेक्ट ये जो है
डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला हुआ अल्फा एन एम कैलकुलेटेड माइनस एम ऑब्जर्व अपॉन एन माइनस सॉरी यहाँ पर जो है वन माइनस एन है ना, हम लोग मिस्टेक किए हैं, यहाँ पर हम जो इसको ही लेके चल रहे हैं ना, तो यहाँ पर वन माइनस एन होगा और यहाँ पर भी वन माइनस एन होगा और यहाँ पर भी हमारा वन माइनस एन हो जाएगा। तो इस पर थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना होगा। इसके बाद हम लोग इसका वेयर लिख देते हैं। वेयर तो इसमें एन क्या है, तो ए जो है एसोसिएटेड मोल है, एसोसिएटेड मोल्स, और जो अल्फा है यहां पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन है इस फॉर्मूला में, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और आई तो बस वही है वन टाइम फैक्टर। और एम कैलकुलेटेड क्या है, तो वही कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, अधिकतर ऑर्गेनिक एसिड ही एसोसिएट हो जाते हैं आफ्टर डिजॉल्विंग, तो यहां पर हम लिख देते हैं ओनली फॉर कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास। और जो m ऑब्जर्व्ड है तो ये हो गया ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ये कैसे फाइंड होता है, हम लोग प्रीवियस वीडियो में इसका चर्चा कर चुके हैं कि जब हम लोग को m कैलकुलेटेड फाइंड करना होगा तो फिर हम लोग किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला से सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लेंगे, और जो हम लोगों को ऑब्जर्व्ड फाइंड करना होगा फिर तो ये तो एक्सपेरिमेंट से फाइंड होता है, एक्सपेरिमेंटल फाइंड होता है। तो ये हो गया, आप इसको कॉपी करें, हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हम लोग का न्यूमेरिकल है डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ KTSO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सी एज्यूमिंग दैट इज कंप्लीट डिसोसिएटेड। यानी हिंदी में भी लिख दिए इस क्वेश्चन को कि पूर्ण विघटित मानते हुए 25 डिग्री सी पर 2 लीटर वाटर में 25 मिलीग्राम KTSO4 के घुलने से बने विलयन का परासरण दाब निर्धारित करें। हमको ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम अप्लाई करके इसके वैल्यू लगा करके हम इसको सॉल्व कर सकते थे, बट हमारा एक K2SO4 न होकर के शुगर होता है, ग्लूकोज होता है आफ्टर डिजॉल्विंग, यानी कि वैसा सॉल्यूट जो डिसोसिएट नहीं होता, बट यहाँ K2SO4 एक ऐसा कंपाउंड है आफ्टर डिजॉल्विंग डिसोसिएट होगा। जब डिसोसिएट होगा तो फिर हमको क्या करना होगा कि जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला होगा उसमें आई से मल्टीप्लाई करना होगा। सबसे पहले देखते हैं इसका आई क्या होगा, तो यहाँ सबसे पहले हम इसको सोल्यूशन में देखते हैं कि सबसे पहले K2SO4 डिसोसिएट कैसे होता है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर सोल्यूशन, और इसमें हम देखते हैं जो K2SO4 है आफ्टर डिजॉल्विंग 2K+ और SO4 2- आयन देता है। तो यहाँ जो आफ्टर डिसोसिएशन जो नंबर ऑफ मोल से कितना है, 2 मोल K+ का है, 1 मोल SO4 2- का है, तो टोटल कितना है, 3 मोल है, जिसको हम लोग एन से इंडिकेट करते हैं, तो एन कितना हो गया, 3 हो गया। जब हमारा कोई भी कंप्लीट डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है तो फिर अल्फा का वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा। तो यहां पर जो है फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू
वन। अब जो है हम आई का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आई का फॉर्मूला थोड़ा देर पहले हम लोग फाइंड किए कि आफ्टर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में आई का फॉर्मूला होता है वन प्लस अल्फा, वन प्लस अल्फा और होता है एन माइनस वन। ये हमारा अभी थोड़ा देर पहले जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर रहे थे तो उसमें आई का फॉर्मूला आया था कि वन प्लस अल्फा एन माइनस वन, बस यहाँ वैल्यू पुट करो, वन हो गया, अल्फा का वैल्यू जो है वन है और एन का वैल्यू थ्री माइनस वन कितना हो गया, ये हो गया, कैलकुलेट करेंगे ये थ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बाकी वैल्यू देखते हैं, आई का तो वैल्यू थ्री हो गया, यहाँ पर जो है आई का वैल्यू तो हमारा थ्री हो गया और इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड करना है, तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर को पी एफ आई से इंडिकेट करते हैं व्हाट हो गया, और हमारा जो सोलूट है 25 मिलीग्राम है तो सोलूट के वेट को हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं, तो हमारा स्मॉल डब्ल्यू हो गया 25 बट ये तो मिलीग्राम में है, हमको इसको ग्राम में चेंज करना होगा, तो हम क्या करेंगे 10^-3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम हो जाएगा। और जो ये सोलूट है इसका मोलिकुलर मास को हम लोग स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं, इसका मोलिकुलर मास फाइंड कर लेंगे तो एम ऑफ K2SO4। तो इसमें तो हमको पता है कि जो K होता है इसका एटोमिक मास 39 होता है, इसका 32 होता है, ओका 16 होता है, और सबके एटोमिक मास को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो इसका मोलिकुलर मास फाइंड हो जाएगा, तो यह जाएगा 174 हो गया ग्राम मोल इनवर्स। अब जो है कह रहा है कि जो आफ्टर डिजॉल्विंग जो सोल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है 2 लीटर प्रिपेयर हो रहा है और 25 डिग्री सी पर सोल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है, तो हमारा जो है वॉल्यूम हो गया 2 लीटर हो गया, तो वॉल्यूम हो गया हमारा 2 लीटर और जो टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सी, इसको हम लोग केलिन में चेंज करेंगे क्योंकि हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, तो इसको हम लोग 25 में 273 ऐड कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा 298 केल्विन, 298 केल्विन, और इसका तो वैल्यू फिक्स होता है, हमको याद रखना पड़ेगा इसका वैल्यू, और वो होता है 0.08 भी लिख के काम चला सकते हो, इसका यूनिट होता है एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगाइए और वैल्यू रखिए और कैलकुलेट कर दीजिए। तो यहां पर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है, चलिए इससे लिख देते हैं, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू एच टी अपॉन एम वी, बट इतना फॉर्मूला पर हम लोग वैल्यू रख के हल तब कर सकते थे जबकि हमारा सोलूट आफ्टर डिजॉल्विंग डिसोसिएट एसोसिएट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तो K2SO4 एक इलेक्ट्रोलाइट है तो आफ्टर डिजॉल्विंग डिसोसिएट होगा, तो कोई भी ऐसा सोलूट जो आफ्टर डिजॉल्विंग डिसोसिएट होगा फिर उसका कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब फाइंड कीजिएगा तो उसके फॉर्मूला में आई से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर सबका वैल्यू सामने है, रखिए आई का वैल्यू 3 है, आई का वैल्यू 3 हो गया, डब्ल्यू का वैल्यू देख ही रहे हैं 25 × 10^-3 और जो एस है यह है 0.082 और टेम्परेचर कितना है तो 298 है, अपॉन एम कितना है तो एम जो है हम लोग फाइंड किए हुए हैं 174 और जो भी है वो 2 लीटर है। फिर से एक बार वैल्यू को मिला लेते हैं, पी तो हमको फाइंड ही करना है और आई जो है 3 आया हुआ है और डब्ल्यू जो है ये इतना है और एस जो है 0.082 तो फिक्स मान है और टी 298 है, एम जो है 174 है, ठीक है 174 है, ठीक है, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो इसका आंसर आएगा आपको 5.27 × 10^-3। ये जो सोल्यूशन कांस्टेंट है इसमें एटीएम है इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, एटीएम होगा, एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर, एटीएम हो गया हमारा आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।